नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म खुद्दार से जुड़ा एक आइकॉनिक किस्सा सामने आया है, एक आइकॉनिक रिपोर्ट सामने आई है, उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों अमिताभ बच्चन तथा कॉमेडियन महमूद के अच्छे रिश्ते थे और कई फिल्मों में एक साथ नजर आए थे। महमूद के ही भाई अनवर अली, जो की खुद एक एक्टर भी रहे और प्रोड्यूसर भी रहे, उन्होंने फिल्म खुद्दार के लिए अमिताभ बच्चन को साइन किया था। इसे रवि टंडन ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ लीजेंडरी एक्टर संजीव कुमार थे, विनोद मेहरा थे, इसके अलावा प्रवीण बॉबी भी इस फिल्म में प्रमुख भूमिका में थी। तो दोस्तों इस फिल्म का मुहूर्त काफी समय पहले हो गया था, लेकिन फिल्म को कम्प्लीट करने में करीब 5 साल लग गए थे। इसके कई कारण है। इसका एक कारण तो ये था कि बीच में प्रवीण बॉबी बीमार पड़ गई थी। फिल्म की हीरोइन प्रवीण बॉबी है, उनको कुछ प्रॉब्लम थी कोई, तो इस कारण से वो विदेश चली गई थी। काफी दिनों के बाद में, कई वर्षों के बाद में वो लौटी थी। यहाँ तक कि उन्होंने जितनी भी फिल्में साइन कर रखी थी प्रवीण बॉबी ने, उनके जो निर्माता निर्देशक थे वो उनसे उनका साइनिंग अमाउंट भी वापिस मांगने लग गए थे। तो दोस्तों एक तो ये कारण था, और दूसरा कारण ये भी था कि अमिताभ बच्चन भी कई अन्य फिल्मों में व्यस्त थे, जिसके कारण भी मतलब फिल्म को मुहूर्त होने के बावजूद करीब 5 साल लग गए थे। लेकिन दोस्तों इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह थी कि अनवर अली ने खुद ये जानकारी दी कि खुद्दार फिल्म जिस दिन रिलीज की गई थी, आखिरकार मतलब जब प्रवीण बॉबी ठीक होकर के वापस भारत लौटी, तो उन्होंने सबसे पहले अनवर अली की फिल्म खुद्दार को ही उन्होंने मतलब कम्प्लीट कराया था। अपनी सारी डेट्स है शूटिंग के लिए, जितनी भी डेट्स है वो सारी डेट्स प्रवीण बॉबी ने अनवर अली को ही दी थी, क्योंकि अनवर अली ने उन्हें फोन किया था और उन्होंने भी यह कहा था पहले तो कि आप मेरा साइनिंग अमाउंट लौटा दीजिए, अगर मतलब आप फिल्म नहीं कर सकती है तो। तब प्रवीण बॉबी ने यह कहा था कि आपको साइनिंग अमाउंट चाहिए या फिर मैं आपको डेट्स दे दूं, तो उन्होंने कहा आप अगर डेट्स दे सकते हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो इस प्रकार से ये फिल्म की शूटिंग पूरी की गई थी। लेकिन दोस्तों इससे बड़ी बात ये बताई अनवर अली ने कि जिस दिन खुद्दार फिल्म को रिलीज किया गया था, ठीक उसी दिन अमिताभ बच्चन का फिल्म कुल्ली की शूटिंग के दौरान भयानक एक्सीडेंट हो गया था। आपको याद ही है कि फिल्म कुल्ली की शूटिंग के दौरान जब अमिताभ बच्चन विलेन बने पुनीत सर के साथ जब एक फाइट सीन कर रहे होते हैं, तो उनको गहरी चोट लगती है और उनको बीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां वो कई दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ते रहे थे और आखिरकार फिर वो ठीक होकर के वहां से लौटे थे, कई ऑपरेशन उनके हुए थे। तो दोस्तों जिस दिन खुद्दार रिलीज की गई थी, उसी दिन अमिताभ बच्चन के साथ यह हादसा हुआ था। तो अनवर अली ने कहा कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि रिलीज की खुशी मनाए या फिर अमित जी के साथ जो इतना बड़ा हादसा हो गया था, तो मतलब बहुत ही जो हादसा हुआ था उसके बारे में सोच करके हम इतने दुखी हो रहे थे कि फिल्म की आज रिलीज है, इसको भी हम मतलब कुछ भी मतलब सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। बस दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि किसी तरह से अमित जी ठीक हो जाए, ऐसा अनवर अली ने बताया। और दोस्तों फिर काफी दिनों के बाद में जब अमित जी ठीक हो गए थे और आईसीयू से बाहर आ गए थे, तब अनवर अली ने बताया कि वे उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल गए थे। तो हॉस्पिटल में अमित जी ने सबसे पहले उनसे यही पूछा कि फिल्म खुद्दार कैसी चल रही है, दर्शकों का इस फिल्म को कैसा रिस्पांस मिल रहा है। तब अनवर अली ने उनको बताया कि फिल्म सुपरहिट हो चुकी है और काफी ज्यादा पसंद की जा रही है। तब अमित जी बहुत खुश हुए थे। तो दोस्तों ये एक काफी इंटरेस्टिंग मैंने वाकई आपको बताया फिल्म खुद्दार से जुड़ा हुआ, और फिल्म काफी अच्छी थी, गाने भी बहुत ही अच्छे थे। अंग्रेजी में कहते हैं आई लव यू गाना काफी बड़ा हिट हुआ था। इसके अलावा मच गया शोर सारी नगरी रे, आज भी इतना ही बड़ा हिट आइकॉनिक सॉन्ग है, हर जन्माष्टमी के अवसर पर इस गाने को बजाया जाता है। दोस्तों काफी अच्छी फिल्म थी। आप इनको ये सारी जानकारी कैसी लगी बताइएगा, और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।